सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। 6 लंबे साल के बाद मंडे नाइट रॉ में, यानी कि परसों के मंडे नाइट रॉ में हमें कोडी रोड्स वर्सेस मिज के बीच में सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है। तो गाइज, आज की स्टूडियो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं इस मैच का क्या रिजल्ट हो सकता है, इस मैच में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार मीट करो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन पे ऑल पे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए सेल वीडियो को शुरू करते हैं। रेसलमेनिया 38 के नाइट वन में, यानी कि गाइज AT&T स्टेडियम में हमें द नाइट मेयर कोडी रोड्स का WWE में पूरे 6 लंबे समय के बाद हमें रिटर्न देखने को मिलता है, यानी कि 6 लंबे साल के बाद हमें WWE में रिटर्न देखने को मिलता है। वो रिटर्न आके और किसी को नहीं बल्कि आप कह सकते हो कि मंडे नाइट मसाया स्मैकडाउन से वेयर सेथ रॉलिंस को फेस करते हैं, जो भी बोलो उनको फेस करते हैं, और इन दोनों का हमें मैच देखने को मिलता है। और इन दोनों का जो राइवलरी है अभी तक कंटिन्यू है, क्योंकि लास्ट वीक के मंडे नाइट में सेथ रॉलिंस आके उनको कांग्रेचुलेट करते हैं और उनको वेलकम करते हैं। और गाइज, इसी को देखते हुए WWE अनाउंस कर रही है कि जो इस वीक के मंडे नाइट रॉ को हम लोग देखने को वाले हैं, यानी कि जो रेसलमेनिया 38 के नाइट वन और नाइट टू के बाद का जो सेकंड मंडे नाइट रॉ होने वाला है, वहां पे हमें कोडी रोड्स वर्सेस मिज के बीच में सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है। यानी कि गाइज, आप कह सकते हो कि जो इस वीक के मंडे नाइट रॉ को हम लोग देखेंगे, वहां पे गाइज हमें कोडी रोड्स वर्सेस मिज के बीच में सिंगल्स मैच हमें देखने को मिलेगा। और हो सकता है गाइज कि ये जो हमें सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है बिटवीन द नाइट मेयर वर्सेज द एलिस्टर के बीच में, ऐसा हो सकता है कि इस मैच में हमें और किसी का नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस का इन्वेड देखने को मिल सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब सेथ रॉलिंस वर्सेज नहीं बल्कि गाइज मिज वर्सेज ऐसा होगा कि जब कोडी रोड्स का सिंगल्स मैच होगा, अगर ये मैच हमें मेन इवेंट में देखने को मिलता है तो अलग ही बात है, काफ़ी चीज़ें आप लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। हो सकता है कि इस मैच में सेथ रॉलिंस इन्वेड कर सकते हैं, तो हो सकता है कि जब ये मैच हमें देखने को मिलेगा या तो मैच के बीच में या तो मैच के अंतिम में, ऐसा हो सकता है कि सेथ रॉलिंस आके अटैक कर देंगे कोडी रोड्स पे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स का जो बिजनेस है WWE में वो भी अनफिनिश्ड है। यानी कि WWE के भाषा में बताऊँ तो इनकी जो राइवलरी है और अभी तक ख़त्म नहीं हुई है अभी ऑफिशियल तौर पे, और काफी रूमर्स आ रहा है कि इन दोनों का मैच भी हो सकता है रेसलमेनिया बैकलैश 2022 में। तो गाइज, हम लोग काफी चीजें एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं इस वाले मैच में। बाकी इस वीक के मंडे नाइट रॉ में हम लोग देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है, लेकिन गाइज अभी के लिए ये वाला मैच ऑफिशियल तौर पे अनाउंस हो चुका है। काफी मैचेस हैं जिसको WWE ने अनाउंस कर दिया है, तो मैंने एक हाईलाइट्स प्रीव्यू मैं बनाऊंगा, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं एक हाईलाइट्स प्रीव्यू बनाऊंगा तो वहां पे मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए ये वाला मैच ऑफिशियल तौर पे अनाउंस हो चुका है। और आपको इसके बारे में क्या कहना है आप मुझे जाके बता सकते हो। और कि जहां तक कि मुझे लगता है कि इस मैच को और कहीं बल्कि ऐसा हो सकता है कि अगर सेथ रॉलिंस इन्वेड नहीं करते हैं तो कोडी रोड्स जीत सकते हैं। बाकी हम लोग देखते हैं इस वीक के मंडे नाइट रॉ में हमें पता चल ही जाएगा कि इस मैच का क्या रिजल्ट हुआ, क्या इस मैच में सेथ रॉलिंस इन्वेड किए या नहीं। तो बाय बाय फ्रेंड्स।